गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 के नियम 29 में संशोधन किया है। अब राज्य सरकार के विभागों में होमगार्ड तैनाती पर विभागों को कोई राशि नहीं देना पड़ेगी। पहले राज्य सरकार के विभागों पर तैनात होमगार्ड के वेतन भत्तों का 1.5 गुना का भुगतान करने का बंधन था। अब ये बंधन राज्य सरकार के विभागों से समाप्त हो गया है। राज्य सरकार के नियमों, भारत सरकार के विभागों और भारत सरकार के निगमों में पूर्ववत 1.5 गुना भुगतान की शर्त लागू रहेगी। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 11,000 होम गार्ड कॉल ऑन पर हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बस गिरने की दुखद घटना की जानकारी प्राप्त हुई है, प्रशासन अलर्ट पर है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में समस्त प्रशासन सतत निगरानी कर रहा है। नरोत्तम ने पश्चिम बंगाल में ममता की रसोई को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये ममता की रसोई नहीं, चुनावी रसोई है, लेकिन यह पब्लिक है, सब जानती है। बड़ी कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि कीमत सभी जगह बढ़ी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी बढ़ी है, प्रदर्शन मध्य प्रदेश में ही क्यों, यह विशुद्ध एक राजनीतिक प्रोपेगंडा है। उन्होंने कहा, डिजिटल हथियारों का उपयोग कर डिजिटल टेररिज्म फैलाने वाली दिशा रवि जैसी लड़की को श्रीमती वाड्रा द्वारा निर्दोष बताना समझ से परे है। वैसे भी प्रियंका को ऐसी विचारधारा के लोग निर्दोष ही नजर आते हैं, चाहे वह जरगर हो, जाकिर नायक हो, शर्जील इमाम हो। ऐसे लोगों के बारे में पहले प्रियंका को भली भांति समझ लेना चाहिए, फिर उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। कांग्रेस की हालत मौसम की तरह हो गई है। आज समझ नहीं आ रहा है कि छाता लगाएं, कोट पहने या पंखा चलाएं। ठीक इसी तरह कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि आधा दिन का बंद कराएं, ट्विटर पर जाएं, फेसबुक चलाएं, या उम्र हो गई है तो घर पर बैठकर आराम फरमाएं। अभी तक हमारी सरकार में नियम ऐसा था कि होमगार्ड के जवान जब दूसरे विभाग में जाते थे, जैसे माइनिंग में, आबकारी में वगैरह वगैरह, तो उसमें उन लोगों को 150% का अलग से भुगतान गृह विभाग को करना पड़ता था। अब गृह विभाग ने अपना होमगार्ड नियम 2016 के नियम 29 में संशोधन कर दिया है। अब जो राज्य सरकार के विभागों पर होमगार्ड जाएंगे, जैसे आबकारी माइनिंग मैंने उदाहरण दिया था, अब वो चार्ज उन्हें 150% एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो केंद्र के विभाग हैं, जैसे BHEL अपने भोपाल में ही उदाहरणार्थ कह रहा हूँ, इस तरह के विभागों में अगर जाते हैं तो वो भुगतान पूर्ववत देय होगा, वो भुगतान लागू रहेगा। अभी ऑन कॉल हमारे मध्य प्रदेश में 11,000 होमगार्ड के जवान तैनात हैं जो ऑन कॉल रहते हैं। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है, दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, SP समेत, बस लोकेट भी हो गई है। चार लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहाँ पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में अभी भेज दिया है, पूरा प्रशासन वहाँ पर है, मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नज़र रखे। बहुत देर कर दी दीदी ने, हमारा चुनाव सामने है और ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे यहाँ तो दीनदयाल रसोई अरसे से चल रही है, हमने तो चुनाव में ध्यान में रख के कभी नहीं किया, कांग्रेस ने बंद कराई थी। दीदी को समझ लेना चाहिए कि वो जनता को इतना भी नहीं समझे कि वो समझ ही नहीं पाएगी उनकी ये चुनावी रसोई है। इसका नाम ममता रसोई की जगह चुनावी रसोई कर दें, सब कुछ आधा हो लिया है वहाँ। और इसलिए मुझे नहीं लगता वो पहले महाराष्ट्र को देखते, अभी जो कीमत बढ़ी है वो छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी है, वो राजस्थान में भी बढ़ी है। इस तरह के राजनीतिक प्रोपोगंडे अगर हैं, उनको समस्या दिख रही तो वहाँ भी करें, यहाँ भी करें, ऐसे तो सब समझ में आता है। श्रीमती बाड्रा जी को ऐसे लोग या उनकी विचारधारा जो श्रीमती वाड्रा जी की है, इस तरह के लोग निर्दोषी नजर आते हैं।
चाहे वो सफूरा जरगर हो, चाहे वो सरजल इमाम हो, चाहे जाकिर नायक हो, ये उन्हें निर्दोषी नजर आती हैं हमेशा से। जो लड़की देश के अंदर डिजिटल हथियारों के माध्यम से डिजिटल टेररिज्म फैलाना चाहती थी, उसको वो निर्दोष बता रही है। और इसलिए आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो इस तरह की कोशिशें करते हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लिया करें, उसके बाद ऐसा कहा करें। कांग्रेस की हालत भी मौसम जैसी हो गई है। अब आज समझ में नहीं आ रहा छाता लगाएं, कोट पहने या पंखा चलाएं। कमोबेश कांग्रेस की हालत भी ऐसी है, उसे समझ नहीं आ रहा ट्वीट करें, आधे दिन का बंद कराएं, फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, या उम्र हो गई है तो आराम फरमाएं। कमोबेश यही स्थिति है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।